समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम हद से तजावुज कर जाते हैं। जी हाँ, ये आजकल हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सियासत में बहुत ज्यादा हो रहा है कि ऑपोजिशन हुकूमत को नीचा दिखाने के चक्कर में ऐसे ऐसे दावे कर देती है, ऐसे ऐसे दावे कर देती है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अब जैसे गुज़श्ता दिनों में हमजा शहबाज शरीफ साहब एक जलसे से खिताब कर रहे थे और जोश खिताबत में क्या क्या नहीं कह गए। बहरहाल जोश खिताबत में तो शहबाज शरीफ साहब भी कई बार अपना नाम बदलवा चुके हैं, पता नहीं कभी चुन्नू बेटा मैं खाऊंगा, मुन्नू बेटा मैं खाऊंगा, क्या क्या नाम रखवा चुके हैं। वो पेट फाड़ दूंगा, रोड पर घसीटूंगा, मेरा नाम बदल देना, बिजली नहीं आई मेरा नाम बदल देना। मतलब मैं तो शहबाज शरीफ साहब को जब भी देखता था एक नए नाम से ही देखता था, इतने ज़्यादा उन्होंने अपने जोश खिताबत में बयान दिए। बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक जलसे में ये बताया है कि जी शहबाज शरीफ साहब को अपने दौरे हुकूमत में इतनी फिक्र थी, मुल्क की इतनी फिक्र थी कि उन्होंने तो लाहौर में केटू पहाड़ बनाने का मंसूबे की मंजूरी दे दी थी, इससे लाहौर का मौसम खुशगवार रहेगा, ये सोच। मतलब हमजा शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं सही, आपको बिलावल हाउस में किसी ने नहीं पूछा कि पकौड़े लिए, सही नहीं पूछा, अकेले कोने में बिठाया हुआ था आपको, सही किया बिल्कुल। यार ये उंगली पकड़ाई वाली रस्म की थी आपने, यानी नहीं ये कुछ आदमी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।